मित्रों छह माता दी कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में छह माता दी जरूर लिखे। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों वर्ष 2023 में हरियाली अमावस्या कब है, जानिए सही दिन व तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और अमावस्या तिथि कब शुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पेड़ पौधों की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप किसी कारणवश नदी तालाब या पोखर में स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर माता गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन इन पांच उपायों में से किसी भी एक उपाय को करने से भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और हरियाली अमावस्या के दिन किसी नदी के किनारे श्राद्ध तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए और हरियाली अमावस्या के दिन मछली के लिए आटे से बनी हुई गोली नदी में जरूर डालना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी नदी में काले तिल प्रवाहित जरूर करना चाहिए और हरियाली अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। मित्रों अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है। मित्रों हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास जरूर रखें और इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दान जरूर करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का अधिक महत्व होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। मित्रों अब पूजा करने का शुभ मुहूर्त को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है। मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 2023 में हरियाली अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि शुरू होगी 17 जुलाई 2023 को रात 10:08 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई 2023 को रात 12:01 पर। स्नान दान करने का समय है सुबह 4:12 से लेकर सुबह 4:53 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त है सुबह 5:34 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:01 से लेकर सुबह 10:14 तक रहेगा। शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त है
5:27 से लेकर रात 7:20 तक रहेगा।